ओवरहॉलिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को कंप्रेसर के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद फुल प्रोसेस आपको ओवरहॉलिंग की बताने वाला हूँ। ये कंप्रेसर जो है ये ट्रेन का ई मॉडल कंप्रेसर है और इसकी हम लोग ओवरहॉलिंग करेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं हमारे सारे पार्ट्स खुले पड़े हैं यहाँ पे, जितने भी पार्ट्स हैं, और हम लोग अभी इसको फिक्स करेंगे। फिक्सिंग से पहले आपको बता दूं, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, गजन पिन है और इसमें हमारा रिंग लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी नया है। लेकिन अगर आप लोग पुराना लगा रहे हैं, क्लीन करके लगा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नए में भी फिटिंग करने टाइम में आप लोगों को इन सब चीजों का इसमें जरूरी ध्यान रखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो बहुत काम की है, आप लोग सबके काम आने वाली है, चाहे वो ट्रेनिंग वाले हो, चाहे वो सीखने वाले हो, या काम करने वाले हो, या इंटरव्यू देने जाने वाले हो, सबके लिए वीडियो काम की है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उनको भी इसकी जरूरत होगी। और दूसरी बात कि थोड़ा वॉइस अगर आप लोगों को आवाज ऐसी आएगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि चिलर का जो हम लोग काम करते हैं तो वहां पे चिलर की आवाज होती है, कंप्रेसर की आवाज होती है, तो हम लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो सबसे पहले आप लोग बता दूं, ये जो कनेक्टिंग रॉड आप लोग देख रहे हैं ये नया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पुराना लगाएंगे तो उसमें जरूर इसका जो सीधा है कि नहीं है, ये सब चीज आप लोगों को जरूरी चेक करना है। इसका गजन पिन, इसमें जो प्ले आता है यहाँ से इस तरीके से, ये होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी गजन पिन नया लगा हुआ है, तो आप लोगों को ये प्ले भी चेक करना है और इसको इस तरीके से चेक करना है कि कहीं से गैप तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गैप रहेगा तो आपका बाद में ये पिस्टन जल्दी टूट जाएगा। इस तरीके से हिला के आप चेक करेंगे, इसके अंदर गैप नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। लेकिन ऐसे जो हम स्लाइड कर रहे हैं इस तरीके से, ये ऊपर नीचे तो ये होगा, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पे गजन पिन को लॉक लगा दिया गया है। और इसमें जो रिंग है, रिंग हमेशा आप लोगों को क्या करना है, ये जो कट लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, ये कट है रिंग बैठाने के बाद, तो इसको हमेशा एक साइड में सीधा ऐसा नहीं रखना है, यहाँ पे सीधा कट्स को नहीं रखना है, इसको क्या करना है ऐसे दूसरी तरफ कर देना है। एक कट यहाँ आ गया तो दूसरा कट यहाँ पे आ गया। और इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, इसमें एसटीडी लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है, ये क्लियर टॉप लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लोग हमेशा टॉप को टॉप पे लगाएं और नीचे बॉटम में ना करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर कनेक्टिंग रॉड पे, तो एक नंबर हमेशा जो ऑयल पंप होता है, जो कंप्रेसर का बैक साइड जिसको बोलते हैं, कोई कोई फ्रंट साइड बोलते हैं, तो जहाँ पे डिस्चार्ज का लाइन होता है अक्सर कंप्रेसर में, वहां पे एक नंबर वहां से स्टार्ट होता है, एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर, फिर पांच नंबर, फिर छह नंबर। ये छह सिलेंडर है, इसमें तीन हेड है। मैं अपने दोस्त से कहूंगा उधर दिखा दे कंप्रेसर, वो देखे ये काम चल रहा है कंप्रेसर का। और अभी इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, ड्रिल मशीन से करेंगे क्लीन, ब्रश से करेंगे, पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके, पेट्रोल से वॉश करके, उसके बाद हम लोग इसमें सामान की फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारा पिस्टन हो गया और ये जो है थ्रस्ट वॉशर, इसको बोला जाता है थ्रस्ट वॉशर, इसमें क्रैंकशाफ्ट में यूज किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट वहां रखा हुआ है, वहां तक भी मैं चलता हूँ। उसके बाद बात हमारी आती है, जो पिस्टन हमारा चलता है वो चलता है लाइनर के अंदर, लाइनर इसको बोला जाता है, और सिलेंडर भी बोला जाता है, स्लिप भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है। तो ये जो लाइनर आप लोग देख रहे हैं इसमें ये लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। क्यों? अक्सर जो कंप्रेसर होते हैं वो जो दो सिलेंडर उसमें होता है, जो एक हेड वो हमेशा डायरेक्ट होता है, मतलब उसको लोड की जरूरत नहीं है, कंप्रेसर स्टार्ट होते ही वो लोड पे आ जाता है। आप लोग जानते होंगे थ्री स्टेज जो होता है, तो फर्स्ट स्टेज जो 30% कंप्रेसर होता है वो लोड पे आके ही स्टार्ट होता है, उसके बाद 60%, उसके बाद 100%। तो ये जो दो सिलेंडर है, एक और यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला, ये दोनों जो लाइनर है हमारा वो टॉप में जाएगा, जो कि डायरेक्ट लोड पे आता है, इसमें लोडर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लोडर का लगा हुआ है। आप लोग जो बार बार हमसे ये कमेंट में पूछा करते हैं कि लोडर लोडर कैसे काम करते हैं, तो ये जो ऑयल का प्रेशर जब इसमें बनता है तो इस तरीके से ये ऊपर जाता है और लोडर का जो हमारा बाईपास लाइन जो होता है उसको बंद कर देता है कंप्रेसर के अंदर, और जो हमारा डिस्चार्ज का लाइन है वो खुल जाता है, तो उससे क्या होता है डिस्चार्ज में गैस जाने लग जाता है, जिसके कारण ये लोड पे आ जाता है। तो ये लोडर बैठता है तो ये लोड पे आता है। और अगर हम बात करें इसके जो चार्ज रीड वाल्व है, सक्शन रीड वाल्व है, तो आप लोग को इजी वे में बता देता हूँ, यहाँ जो आप लोग ये देख रहे हैं ये इसका सक्शन रीड वाल्व है, इसमें ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे पत्ती लगा के यहाँ पे आप लोग देख लें, और यहाँ पे भी लगा हुआ है ऊपर से बैठा के, इसको यहाँ पे क्लिप लगा के फिक्स कर दिया गया है। अगर हम ये क्लिप निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा।
ये हमारा सक्शन रीड है। उसके बाद हम लोग बात करें डिस्चार्ज रीड की, तो यहाँ पे आप लोग देख लें इसका ये डिस्चार्ज रीड है। इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है लगाने से पहले ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर की स्प्रिंग वगैरह सही है कि नहीं। ये हमारा डिस्चार्ज रीड है और डिस्चार्ज रीड के ऊपर ये स्प्रिंग ऐसे लगता है जो कि इसको पकड़ के रखता है। यहाँ पे ये इस तरीके से फिट होता है, डिस्चार्ज रीड के ऊपर ये लगा हुआ होता है स्प्रिंग। और अगर हम लोग फिर बात करें बुशिंग की, तो यहाँ आप लोग देख ले ये वाला एक, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर की बुशिंग प्लेट है, इसको सेंटर भी बोलते हैं। सेंटर में लगा हुआ होता है जो सक्शन साइड होता है कंप्रेसर का, वहां पे ये बुशिंग प्लेट लगी हुई होती है। और जो दूसरा है उसको बैक कह लें या फ्रंट कह लें, वो ये वाली बुशिंग प्लेट है जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए ये वाली है, इसके अंदर बुश फिक्स होता है। तो ये क्या होता है, ये इधर जाएगा, ये क्रैंकशाफ्ट है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अंदर जाएगा ये। और जो ऑयल का जो पंप है वो इधर फिक्स होगा। ऑयल पंप हमेशा आप लोग जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट के थ्रू चलता है, जब क्रैंकशाफ्ट घूमते हैं तो ऑयल पंप चलता है, उससे क्या होता है ऑयल का सर्कुलेशन लुब्रिकेशन पूरे कंप्रेसर में होता है। लुब्रिकेशन अगर नहीं होगा तो कंप्रेसर हमारा नहीं चलेगा, फ्रिक्शन पैदा होगी और वो खराब हो जाएगा। ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये हमेशा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये भी फिलहाल पॉलिशिंग होके आया है, तो इसमें कहीं भी कोई स्क्रैच वगैरह आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है कि अगर कुछ भी स्क्रैच वगैरह है तो उसको हम लोग प्रॉपर जो हमारे सीनियर हैं उससे चेक करवा लें, या अगर आप लोग खुद ही ट्रेंड हैं तो उसको चेक कर सकते हैं और इसको पॉलिशिंग कर सकते हैं या पॉलिशिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब आपका कंप्रेसर कई बार उड़ जाता है तो उसमें हम लोगों को खास करके ये लुब्रिकेंट लाइन है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ होल है, ये कनेक्टिंग रॉड में यहाँ से जो ये होल है ये कनेक्टिंग रॉड को ऑयल सप्लाई करता है, और यहाँ पे जो है ये सेंटर बुशिंग को ऑयल सप्लाई करता है। इसको हम लोग जो सेंटर बुशिंग बोलते हैं उसमें ये जाता है बुशिंग प्लेट के अंदर, बुश को लुब्रिकेट करते हैं ताकि बाद में उसमें फ्रिक्शन पैदा ना हो, नहीं तो हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारा स्टेटर साइड का एरिया, यहाँ पे रोटर टाइट होता है और इधर ही वाइंडिंग होता है, स्टेटर होता है। और बैक साइड जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको फ्रंट भी आप बोल रहे, तो यहाँ पे ये देखे यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है, इसके थ्रू इसका ऑयल पंप चलता है यहाँ से। फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारा गैस्केट का सेट है, ये हम लोगों को अगर बनाने आते हैं तो हम लोग बना लें खुद से, नहीं तो हम लोग रेडीमेड खरीद सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, ये देखिए पेट्रोल के साथ हम लोग इसको वॉश कर रहे हैं, और चाहे तो किसी भी चीज़ से इसको वॉश कर सकते हैं, डीजल से या मिट्टी के तेल से। मिट्टी का तेल वेस्ट होता है केरोसिन, लेकिन पेट्रोल से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर ड्रिल मशीन में ब्रश लगा के क्लीन कर दिया है, अभी हम पेट्रोल से इसको वॉश कर लेते हैं। थोड़ा 1000 नंबर का इस पर पेपर लगा देंगे ताकि जिसका फेस है वो सही हो जाएगा, हेड का 1-for-1 गैस है इसके, इससे भी हम लोग एक बार इसको वॉश कर दिया है। उसके बाद ये देखें आप लोग, ये 8-2 गैस जैसे है या कोई भी हमारा प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उससे हम इसकी सारी लाइनें क्लियर कर लेंगे और चेक कर लेंगे, और इससे दोबारा से एक बार क्लीन कर देंगे पूरे कंप्रेसर बॉडी को ताकि कोई भी डस्ट वगैरह अंदर न रह जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका पिस्टन, तो ये गजन पिन है अंदर, इसके अंदर भी ऑयल लगाना है। पिस्टन और रिंग पे हमने ऑयल लगाना है। ये जो लाइनर स्लीव है इसके अंदर भी ऑयल लगाना है, ये ब्रश से लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको पुश करना है, इसके अंदर पिस्टन को बैठाना है लाइनर के अंदर। यहाँ पे जो ये बुशिंग आना है बैक साइड में, और ये देखें ये जो ओरिंग है ये बिल्कुल हार्ड होकर ख़राब हो गया था, निकाल दिया, यहाँ पर वायरिंग ओरिंग चेंज कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप लोग ये हमारा बुशिंग है, इसमें हम लोग थ्रस्ट वॉशर बुश लगाने के बाद इधर से लगाएंगे। इसमें ये छोटी वाली बुशिंग ही पहले लगेगी इधर, और क्रैंकशाफ्ट आगे की तरफ से डालना होगा, यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और ये जो आपको सेंटर देख रहे हैं सीधा, ये थोड़ा सा राइट में हो जाएगा, पूरा सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो ऑयल का होल है हम लोगों को मिलाना चाहिए, एक ये है एक ये है, इसका सेंटर मिलाने के लिए इसको पूरा सीधा नहीं, थोड़ा सा राइट में टर्न करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, ये मिल जाता है। ये बुशिंग हमारा पीछे वाला बैठ गया है, तो हम आगे की तरफ से इसमें क्रैंकशाफ्ट डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल वगैरह से हमने पूरा गीला कर दिया बुश को, ताकि आराम से स्लिप होके क्रैंकशाफ्ट इसके अंदर आ जाए। सेंटर की बुशिंग प्लेट इस तरीके से ऐसे बैठा देनी है, और अंदर में जो छोटे ओरिंग्स होते हैं ना वो सेंटर ऑयल का हमको मिलाना होता है, और नीचे जो एक यहाँ पर आप लोग नोज़ल देख रहे हैं इसको भी हम लोगों को अभी लगाना बाकी है। हम लोग लगा के इसको इधर टाइट करेंगे और नीचे की तरफ इसको मूव करेंगे। ये लगाने के बाद अभी हम लोग चलते हैं पिस्टन लगाने के लिए, वो फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काम करते हुए मैं
हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो फिक्सिंग करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ वो किस तरीके से किया वो बताऊँ। अभी हम लोग क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेंट करेंगे ऑयल से, उसके बाद उसमें पिस्टन हमारा रेडी है। अभी हम लोग पिस्टन लाइनर वगैरह इस पर बैठा लेंगे। देखें ये फिक्सिंग हो गई है पिस्टन की, लाइनर हमने बैठा दिया, पिस्टन बैठा दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इधर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एक नंबर है और ये दो नंबर है और ये वाला दाहिनी तरफ तीन नंबर है, फिर वैसे ही उधर लास्ट में चार है और ये बीच वाला जो डायरेक्ट लोड वाला है वो पाँच है और यहाँ पे जो ये है ये छः नंबर है। और हम लोग इसको घुमा के पहले अच्छे तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद गैसकेट लगा के हम लोग इसको टाइट करेंगे। ये रेडीमेड गैसकेट है, वैसे हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं, ऐसा गैसकेट बना सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा ऑयलिंग करके हमने अच्छे तरीके से लुब्रिकेंट कर दिया, उसके बाद अभी हम गैसकेट को भी ऑयल लगाएंगे और यहाँ फेस पे भी जो हेड का फेस है इस पर पूरा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग टाइट करेंगे। ये लाइनर लगने के बाद हम लोग इसमें ये जो रीड है डिस्चार्ज रीड ये लगाएंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये जो आप लोग स्प्रिंग देख रहे हैं वो स्प्रिंग हम लोग इसके ऊपर लॉक करेंगे, उसके बाद ये गैसकेट लगा के तब हम लोग इसमें हेड टाइट करेंगे। तो गैस ये फिक्सिंग अब ख़त्म पे है हमारा, ये देखिए हम लोगों ने हेड भी लगा दिया दोनों तरफ, ऊपर भी अभी लगा देंगे और अभी ऑयल पम्प पीछे का बाकी है क्योंकि हमारे पास नहीं आया था, तो मैं ये नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में डाल दूंगा, स्टार्ट करके आप लोगों को चेक करा दूंगा। अभी ऑयल वगैरह इसके अंदर डालना बाकी है, ये देखें ऑयल भी डालना है हमने और ऑयल पम्प लगाना है और स्टेटर इसमें वाइंडिंग लगाना है और रोटर लगाना है और फिर हमने वैक्यूम करना है और गैस चार्जिंग करनी है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, दोस्तों साथ भी शेयर करें। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।